नतीजा ये हुआ कि राज्य में गवर्नेंस से फोकस ही हट गया। बिहार ऐतिहासिक नगरों की धरती है। यहां हजारों सालों से नगरों की एक समृद्ध विरासत रही है। प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्द गिर्द आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध और संपन्न नगरों का विकास हुआ, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड ने इस विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। आजादी के बाद के शुरुआती कुछ दिनों में बिहार को बड़े और विजनरी नेताओं का नेतृत्व मिला, जिन्होंने गुलामी के काल में आई विकृतियों को दूर करने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब बिहार में मूल सुविधाओं के निर्माण के बजाय राज्य के लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के बजाय प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं पूरी तरह बदल गई। नतीजा ये हुआ कि राज्य में गवर्नेंस से फोकस ही हट गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार के गांव और ज्यादा पिछड़ते गए, और जो शहर कभी समृद्धि का प्रतीक थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती आबादी और बदलते समय के हिसाब से अपग्रेड हो ही नहीं पाया। सड़कें हो, गलियां हो, पीने का पानी हो, सीवरेज हो, ऐसी अनेक मूल समस्याओं को तो यानी या तो उसको टाल दिया गया या फिर जब भी इनसे जुड़े काम हुए वो घोटालों की भेंट चढ़ गए। साथियों, जब शासन पर स्वार्थ नीति हावी हो जाती है, वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है, तो सबसे ज्यादा असर समाज के उस वर्ग को पड़ता है जो प्रताड़ित है, वंचित है, शोषित है। बिहार के लोगों ने इस दर्द को दशकों तक सहा है।